अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी है ना, हम लोग ना अपना कमरा धोने लगे, क्योंकि ना मैंने मम्मा को बोला, मम्मा हम लोग यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ते हैं, कमरा बड़ा गंदा हो रहा है, इसको हम धो देते हैं। तो जो है ना, नापाक जगह पे नमाज़ पढ़ना अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी मैं अभी ना अपना कमरा धो रही थी और मैं बना रही हूँ ब्लॉग भी साथ साथ। आपको पता है मैं अपने घर के छोटे से छोटे काम भी आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। सही है, असल में नमाज रोज़ा करना होता है तो कशिश बोलती है मम्मा यहाँ पे। असल में ऐसा मसला है ना कि एक ही कमरा है, सही उधर ही किचन भी है, उधर अंदर बाथरूम भी है, और इधर ही हमारा उठना बैठना सब कुछ उधर ही है। तो अभी बच्चा है छोटा आतिफ, तो वो चप्पलें लेके आया तक आ जाता है। अब क्या होता है फिर, जब जहाँ पे चप्पलें आ जाती हैं फिर वहाँ पे नमाज इबादत करने का दिल नहीं करता ना। इस वजह से अब मैंने बोला चलो धोते हैं कमरे को, फिर इसको ना सख्ती करेंगे, बोला कि चप्पलें अंदर नहीं लाना। सही है ना, क्योंकि चप्पलें तो गंदी होती है ना, नापाक होती है चप्पलें तो। वैसे भी क्या है कि गर्मी है ना, है ना। हाँ तो मैंने बोला गर्मी है ना, तो गर्मी में जब दिन की बहुत तेज गर्मी थी ना, जो 2-2.5 बजे होती है, उस वक्त हम लोगों ने कंबल उठा के सिर्फ सफाई कर दी थी। तो मैंने कशिश को बोला, कशिश बाद में धोएंगे ना, फर्स्ट ठंडा होगा तो ऐसा होगा, फिर इधर इंसान कंबल बिछाए बगैर बैठ उठ जाएगा, ठंडे फर्श पे गर्मियों में अच्छा लगता है ना, इस वजह से। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर सो गए थे, फिर शाम को उठे तो हमने बोला चलो व्लॉग बना लो। ठंडे फर्श पे सोने में इतना अच्छा लगा, हम पागल है कंबल बिछा के रखते। हाँ वो तो मैंने इस तरह से बिछाया होता, कभी कोई आ भी जाता है ना मेहमान वगैरह वगैरह, इस वजह से मैंने बिछाया बोलते। वैसे भी शाम के टाइम पे मौसम अच्छा हो जाता है। बिजली टंकी बैठी है, पाँव पे पानी आ रहा है। तो पानी है क्या? बाल्टी मैंने आगे लाई नहीं, और मैं खुद आगे गई। अभी कोई ना कोई बोलेगा मुझे देख के, भाभी ये क्या कर रही है, ऐसे कैसे कर रही है, कपड़े गंदे कर रही है। तो मैं पहले बता दूं कपड़े मेरे गंदे, अभी मैं इसको ये काम करने के बाद जाऊंगी नहाने के लिए। बस क्या है, ये मेरी वो है डेली रूटीन वर्क, रोक दो मैंने बोला है, बना रही है अभी। हाँ ना, तो खोली भी है ना, जब साई बनी नहीं रोक देते। मैं तुम लोग बोला था वीडियो नहीं बनाते इसकी। अच्छा ये रख के आप मेरे को, अब आ रही है सही। हाँ चलिए जी, मैंने अपना कमरा धो लिया है, अब मैं इसको सुखा देती हूँ ताकि फिर हमारी नमाज की जगह जो है वो अच्छी सी बन जाए। यहाँ हम किचन के पास नमाज पढ़ते, ये हमारी नमाज की जगह, ये वाली। इसको ना मैं धोती हूँ हर 3-4 दिन के अंदर, उसके अलावा फिर इधर हम पोछा लगाते रहते हैं, पोछे से भी सफाई हो जाती है ना। 3-4 दिन में धो देती हूँ। जब मैं अकेली होती थी तो फिर मैं ना यहाँ पे चप्पले वगैरह नहीं लाती थी ना, अभी बच्चे हैं बस क्या बोलूं। बच्चे घर की रौनक होती है, बच्चों को कोसती रहती हैं आप हर वक्त। मैं कब कोसती हूँ, अभी यही तो बोली बच्चे हैं, मैं क्या बोलूँ अब। हाँ तो क्या बोलूँ कि खेल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, खेल रहे खेल रहे, ये बोल दी मैंने, क्या बोला। ये वाइपर मैंने बनाया अच्छा, लेकिन इसका डंडा मेरे से ना बहुत छोटा था, देख लिया इतना छोटा डंडा है ना, अब इसको झुक झुक के काम करना पड़ता है, इतना लंबा होना चाहिए कि बंदा खड़ा होके ना ऐसे कर ले, है ना कि नहीं। जाना है तो उधर ही आ रही, तो टिक जाना एक जगह पे। तो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाना है मैंने, तो जाए उधर वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने ना थोड़े से कपड़े भिगोए हुए थे, थोड़े से ही थे,
अभी मेरी बोली थी नहीं धोए, अभी मैंने बोला धो रही हूँ, हाथ से ही धो दूंगी, नहीं तो फिर बहुत सारे जमा हो जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, सही है, तोड़ तोड़ के हो सकता है उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही धो लूँगी। सही है, इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड कर रही हूँ, तो आप लोगों से चाहूँगी मैं इजाज़त, आप सब अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, तो आप हमें इजाज़त दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।